अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ इन्फिनिक्स का हॉट S3। इसमें मिलते हैं आपको दो वेरिएंट्स, एक 3 GB और 32 GB के साथ और दूसरा 4 GB और 64 GB के साथ। 3 GB रैम और 32 GB मेमोरी के साथ आपको मिलता है ये 19,000 रुपये में पाकिस्तान में 1 साल की वारंटी के साथ, और 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी वाला मिलता है आपको 24,000 रुपीज़ का 1 साल की वारंटी के साथ। और इंडिया में जो इसकी प्राइस है वो है 12,000 रुपया और 15,000 रुपया रिस्पेक्टिवली। ये मेरे पास ब्लश गोल्ड कलर है, मैं अब इसका रिव्यू करूंगा और इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। इससे ये होगा कि आपको हर नई आने वाली वीडियो मोबाइल फोन के हवाले से मिलती रहेंगी और आपको लेटेस्ट मोबाइल फोन के रेट्स भी मिलते रहेंगे। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम शहजाद है और आप देख रहे हैं दी शॉपिंग। दोस्तों, ये इन्फिनिक्स का हॉट S3 है, इसका जो मॉडल नंबर है X573B। ये जो अनाउंस किया गया है और अवेलेबल किया गया है ये मार्केट में ये जून 2018 में किया गया है। वैसे तो ये 2018 मार्च में लॉन्च किया जाना था लेकिन ये जून 2018 में लॉन्च किया गया है। इसकी जो प्राइस है 24,000 रुपीज़ है पाकिस्तान में। ये 2G 3G 4G LTE सपोर्टेड है। इसकी अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो ये 150 ग्राम इसका वेट है। इसकी जो बॉडी की डायमेंशंस है 152.3 इसकी हाइट है, 72.8 इसकी विड्थ है और 8.4 mm इसकी डेप्थ है, मोटाई है। इसकी जो बॉडी बनाई गई है फ्रंट पे फुल ग्लॉस लगाया गया है, बैक पे प्लास्टिक की बॉडी है सारी इसकी बैक वाली, और इसका जो फ्रेम बनाया गया वो भी प्लास्टिक का बनाया गया है। 3.5 mm का ऑडियो जैक भी ये सपोर्ट करता है। इसका जो डिस्प्ले का साइज़ है 5.7 इंचेस है, इन्फिनिटी डिस्प्ले भी बोलते हैं इसको। जो डिस्प्ले टाइप है वो IPS HD कैपेसिटी टच स्क्रीन है, 16 मिलियन कलर्स भी हैं इसके। जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो 720x1440 पिक्सल का है, 285 PPI पिक्सल डेंसिटी भी है इसके अंदर। इसमें जो चिपसेट लगाई गई है स्नैपड्रैगन 430 लगाई गई है और ये 1.4 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर है इसका, एंड्रीनो 505 GPU है इसके अंदर। इसमें जो आपको अवेलेबल कलर्स मिलेंगे ब्लैक, गोल्ड, स्काई ब्लू और पिंक। स्मार्ट व्यू स्क्रीन मिररिंग वाईफाई डिस्प्ले भी सपोर्ट करता है। इसमें सेंसर्स की अगर बात की जाए तो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसके अंदर है, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी कॉम्पस, लाइट सेंसर और जीन सेंसर आपको इसमें मिलेंगे। अदर फीचर की बात की जाए तो इसमें मिलेगा वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, ग्लोनस, BDS, वाईफाई डायरेक्ट और हॉटस्पॉट। रेडियो भी इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। इसके अंदर बिल्ट इन फीचर है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। 4 GB रैम इसमें है और 64 GB इंटरनल मेमोरी आपको ये मिलती है इसके अंदर। ये ड्यूल सिम सपोर्टेड है, दोनों सिम जो है वो नैनो है, और मेमोरी कार्ड के लिए लेदर से स्लॉट दी गई है, डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट। 256 GB तक मेमोरी कार्ड इसमें लगा सकते हैं आप। इसके कैमरे की बात करते हैं तो 13 MP का इसका रियर कैमरा है LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे के फीचर्स हैं ब्यूटी मोड आपको मिलता है, ऑटो मोड मिलता है, वीडियो मोड, पेनोरामा, नाइट मोड, टाइम लैप्स मोड, प्रोफेशनल मोड, HDR इफेक्ट्स भी आपको डिफरेंट में मिल जाते हैं, और डिले कैप्चर मोड, टच कैप्चर, गाइडलाइंस, लेवल, ऑटो वाटर मार्क भी लगा सकते हैं इसके अंदर आप। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 20 MP का लो लाइट कैमरा है जो कि सोनी का बनाया गया है, सोनी ने ये बिल्ड किया है, मैन्युफैक्चर किया है ये। इसमें आपको मिलता है फ्रंट कैमरे में ब्यूटी मोड विद बूके इफेक्ट और पोर्ट्रेट मोड। आप फ्रंट कैमरे में आप पोर्ट्रेट मोड पिक्चर ले सकते हैं, यानी कि बैकग्राउंड ब्लर वाली आप, जैसे कि आपको आजकल फेमस हुआ हुआ है। और इसमें ऑटो मोड भी है, वीडियो मोड भी है, वाइड सेल्फी भी ले सकते हैं और टाइमलेस मोड भी इसके अंदर है फ्रंट कैमरे में। और आपको मिलता है फ्रंट कैमरे में फ्लैश लाइट, ये OTG सपोर्टेड है, 2.0 टाइप रिवर्सिबल कनेक्टर है इसका चार्जिंग के लिए। रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट के अलावा आपको फेस अनलॉक की सिक्योरिटी भी मिलती है फेस डिटेक्शन की। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करता है आपका फ़ोन। स्क्रीन के अंदर नोटिफिकेशन LED लाइट का ऑप्शन भी मौजूद है, नोटिफिकेशन LED लाइट ब्लिंक करती है जब आप इसको चार्जिंग पे लगाते हैं या मिस कॉल अलर्ट आता है। स्प्लिट स्क्रीन सपोर्ट करता है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डेफिनेटली एंड्रॉयड है जो कि 8.0 ओरियो है जो कि अपडेट हो सकता है। इसकी बैटरी की बात की जाए तो 4000 mAh की इसकी बैटरी है जो कि इसकी स्पेशलिटी है। इसमें आपको चार्जर जो मिलता है वो 2 ampere का मिलता है। 15 घंटे टॉक टाइम है इसका 3G अगर आप चलाते हैं। अगर आप 2G पे रखते हैं फ़ोन को तो 22 घंटे का टॉक टाइम ले सकते हैं इसका, और 600 घंटे इसका स्टैंड बाई टाइम है, और 10 घंटे वीडियो प्लेबैक है, और 30 घंटे म्यूजिक प्लेबैक है, 8 घंटे गेम्स प्लेबैक है। एक्सेसरीज में आपको मिलता है एयरफोन, डॉक्यूमेंटेशन बुक,
यूज़र गाइड, यूएसबी केबल, यूएसबी पावर अडाप्टर 2 एम्पीयर का, सिम इजेक्टिंग टूल मिलता है आपको, और प्रोटेक्टिव फिल्म यानी कि प्रोटेक्टर मिलता है जो कि स्क्रीन पर लगा सकते हैं, और 1 साल का